कोरोना वायरस संकट के बीच पूरे देश में आज आस्था का महापर्व दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है और दिवाली के इस शुभ अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने शनिवार को ट्वीट में लिखा है, सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक मंगल कामनाएं, इस त्योहार और अधिक उज्ज्वल और प्रसन्नता लाए, सभी लोग समृद्ध और स्वस्थ रहे। इससे पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा पर डटकर खड़े भारतीय जवानों के लिए भी दिया जलाने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवाली का त्योहार जवानों के साथ मनाने जाने की बात भी कही जा रही है, तो वहीं पीएम मोदी के अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई लोगों ने दिवाली की बधाई देशवासियों को दी है। तो वहीं आपको बता दें कि हाल ही में बिहार में लोकतंत्र का पर्व मनाया गया, बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है जिसमें एनडीए ने 125 सीट की बहुमत के साथ बिहार में जीत पाई है, तो साथ ही साथ विपक्ष के महागठबंधन ने 110 सीटों पर सिमट गई। तो वहीं इस खुशी के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता को शुभकामनाएं दी और उनके लिए हृदय से आभार प्रकट किया। साथ ही साथ उन्होंने ये साफ कर दिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही उनके चेहरे होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि आज दिवाली है और दिवाली के इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ट्वीट करके बधाई संदेश भेजा है। नेशन न्यूज की रिपोर्ट।